अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगी मलाई कोफ्ता। सबसे पहले मैं कोफ्ते के लिए जार में डालूंगी कोतमीर, आधा कांदा, चार हरी मिर्ची, 7 से 8 लहसुन और 2-3 अदरक के टुकड़े, 10 से 5 काली मिरी और आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर। अब मैं इसे पीस लूँगी। मसाले को मैंने पीस दी हूँ। अब इसमें डालूंगी मैं खीमा। ये आधा किलो खीमा है जो मैंने धोकर छन्नी में डालकर रखी थी आधे घंटे के लिए। अब इसमें डालूंगी और इसको भी पीस लूँगी। खीमे को मैंने बाउल में निकाली हूँ। अब इसमें डालूंगी 1 वाटी चने का आटा और इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी। अब इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लूंगी। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसके गोले बनाऊंगी। ऐसे गोले हमें बनाकर सब रख देंगे। गोले बनकर तैयार हो चुके हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डालकर गरम होने के लिए रख दी हूँ। अब इसमें डालूंगी 3 लौंग, 2 इलायची, 2 दालचीनी और 10 काली मिरी। ये 2 प्याज है, इसको मैंने पीस कर रखी हूँ। अब ये डालूंगी। इसे अच्छे से भून लूंगी। कांदा अभी लाल हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और मसाले डालूंगी 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ी कसूरी मेथी। ये भी सब सारे ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मसाला भूनकर हो चुका है। अब मैं उसमें डालूंगी 2 पीसे हुए टमाटर। अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अब मसाले को मैं ढक्कन लगाकर 5 मिनट के लिए पकाऊंगी। देखिए हमारा मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 वाटी दही। इसको मैंने फेंट ली थी चम्मच से। और 1/2 वाटी फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप घर की दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले को अब मैं उबाल आने तक के थोड़ा पका लूंगी। मसाले में उबाल आ गया है और तरी भी छूट गई है। मसाला हमारा जो है अच्छे से पक चुका है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डालूंगी। इसमें नमक डालूंगी स्वाद के हिसाब से और ढक्कन ढककर मैं इसे उबाल लूंगी मसाले को। ग्रेवी हमारी अभी पक चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी कोफ्ते। कोफ्ते को हम एकदम आराम से डालेंगे। छुट्टा छुट्टा डालना है हमें, एकदम चिपका कर नहीं रखना है। कोफ्ते मेरे डालकर हो गए हैं। अब इसे मैं चम्मच नहीं लगाऊंगी, 10 मिनट तक ऐसे ही पकाऊंगी।
10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे इस तरीके से हिलाएंगे, चम्मच बिल्कुल नहीं लगाना है हमें, हम कढ़ाई को पकड़कर ऐसे घुमा लेंगे, इससे हमारे कोफ्ते जो है टूटेंगे नहीं। ये देखिए माशाल्लाह अखे है। फिर हमें इसे वापस से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते टूटे नहीं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और इसमें डालूंगी हरी धनिया। अब मैं इसे बाउल में निकाल लूंगी। माशाल्लाह हमारे मलाई कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।